नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका पीआरजी की तरफ से और टीना राठौड़ की तरफ से जीवन दर्पण मन की बात में, जहां हम आपसे रूबरू करवाते हैं राजस्थान की जानी मानी हस्तियों को। और इसी कड़ी में हमारे बीच मौजूद है राजस्थान की एक ऐसी शख्सियत जो हमेशा से अपनी वेशभूषा और शैली के लिए अलग पहचान बना के रखने में कायम रहे हैं। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं त्रिलोक सिंह जी नक्सा की। सर, आपका पीआरजी स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद पीआरजी को, और एक अच्छा प्रयास है जी। जी हाँ, काफी समय से कुछ नया कुछ नहीं हो रहा था जी। लेकिन ये जो कार्यक्रम आपका, क्या जीवन दर्पण जी। तो वास्तव में कलाकार क्या था, इसका पहले भूत किया गया और भविष्य में क्या चाहता है, पब्लिक से रूबरू होते हैं जी। एक दफा नहीं, आप बार बार दिखाएंगे, बार बार वो चीज मनन करता है वो कि मैं स्टेज पे था, अब मैं कहाँ हूँ और आगे क्या मैं दृष्टि लेके चलता हूँ। तो मैं पुनः पीआरजी का धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसा कार्यक्रम शुरू किया जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। सबसे पहले हमारा सवाल आपसे, आप अपने जन्म और परिवार और पढ़ाई के बारे में बताएं। जन्म सन 1949, वर्तमान उम्र 69 ईयर जी। और परिवार बहुत लंबा था, लेकिन धीरे धीरे माला बिखरती गई और अब परिवार में सबसे बड़ा मैं हूँ जी। मेरे दो, एक लड़का एक लड़की है, दोनों सेट हैं, दोनों की शादीशुदा, नाना दादा सब मैं बन गया हूँ जी हाँ। और ये मान लीजिए कि दुनिया का सबसे सुखी इंसान मैं हूँ जी। हर चीज मेरे को मालिक ने दी है, हर चीज दी है। बहुत खूब सर, आपका इस इंडस्ट्री में आना कैसे हुआ? देखिए, मैं कैमरे के सामने नहीं आया जी, कैमरा मेरे सामने आया जी। कैसे? जो आपके पीआरजी के डायरेक्टर है सज्जन सिंह जी, हाँ जी, उनके चरण कमल मेरे मकान पर पहुंचे। उस जमाने में सीढ़ियां बनती थी जी, जी। एक कंपनी पता नहीं कौन सी थी, उनका एक प्रोजेक्ट था चंदा छुप जा रहे जी। जो शायद मोहिनीदीन बंसला का गया होता जी, जी। तो सज्जन जी ने काम शुरू किया था, बोले साहब मैं पहला काम कर रहा हूँ और आपको करना है जी। गाड़ी मेरी जी। और आठों सॉन्ग मेरे ऊपर ही फिल्म आए थे जी। और वो एल्बम इंडियन हिस्ट्री में, एल्बम की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सक्सेस हुआ जी, राजस्थानी वीडियो इंडस्ट्री में। और उसका टाइटल तो था चंदा छुप जा रहे जी। फिर मैंने सज्जन जी से कहा, सज्जन जी इसका टाइटल चेंज करो जी। कि उसमें एक सॉन्ग था भक्ति राम मार्ग झीणा, जो कबीर दास जी की लड़की है कमाली, उसका लिखा हुआ जी। और उसमें ये संदेश था कि हर समाज के धर्मगुरु होते हैं, धर्मगुरु अपना काम करते हैं लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलने वाला कोई नहीं जी। तो ये संदेश था उसका जी। और काफ़ी अच्छा था, और मेरे ख्याल से सीडी के मार्केट में सबसे ज़्यादा वो सीडी बिकी। बहुत खूब, आप वीडियो में एक अभिनेता के तौर पर आने के साथ में ही सिंगिंग भी करते हैं, तो ये सिंगिंग का शौक कहाँ से लगा आपको? सिंगिंग ऐसा है कि मैं भजन ज़्यादा गाता हूँ जी। मेरे गुरु जो दुनिया में नहीं है, गुरु भंवर वैष्णव थे। उस जमाने में दो ही संगीतज्ञ थे, एक भंवर वैष्णव, एक हरीशपुरी नागा जी। जो चौमुखी थे, तबला ढोलक हारमोनियम सब कुछ वो बजाते थे जी। तो वो मेरे अच्छे दोस्त थे, मैंने उनको गुरु माना लेकिन उन्होंने हमेशा मेरे को दोस्त ही माना जी हाँ। उनका ट्रुप चलता था ITDC RTDC से जुड़ के, तो ग्रुप होते थे, तो उन्होंने मेरे को जसल में मेरी पोस्टिंग थी, नौकरी थी, वहाँ वो ग्रुप लेके आए। वहाँ पे उनका जो सिंगर था वो थोड़ा बह गया, तो उन्होंने कहा नक्सा आप, मैंने कहा मैंने कभी गाया नहीं, बोले चिरमी गानी है, तो भजन तो गाते ही था और चिरमी राजस्थान का लोकगीत है अच्छी तरह मुझे याद है, तो मैंने गाया, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई
गायकी में। उसके बाद में डांस कोरियोग्राफी मैं करता हूँ, नेशनल इंटरनेशनल फिल्में की है मैंने, सोलो डांस से लेकर 500 लड़कियों का डांस कोरियोग्राफ मैंने किया हुआ है जी। बहुत खूब, बहुत बढ़िया जी। सर आपके शुरुआती दौर से लेकर अब तक का जो आपका चाहे गायन का क्षेत्र रहा हो चाहे अभिनय का क्षेत्र रहा हो, तो कभी ऐसा हुआ कि आपको किन्हीं परेशानियों का सामना करना पड़ा? लोग मेरे से परेशान हैं जी। कैसे? ऐसे कि मैं जो आजकल के गायक हैं, वैसे देखा जाए तो गायकी तो खत्म हो रही है जी। लेकिन कोशिश करते हैं वो जितनी भी रही है रह जाए तो ठीक है। अच्छे अच्छे गायक जिनका नाम है वो अगर ऐसी हरकतें करे तो पीछे वाले बच्चे क्या गाएंगे जी। जैसे हम जैसे भजनों में फिल्मी गीतों का समावेश जी। अच्छे अच्छे बड़े गायक जिनका नाम है आज, प्रकाश माली, अब बाकी जो पीछे वाले उनकी कॉपी कर रहे हैं जी। अच्छा भजन है मरुधर में जोत जगाई गयो, उसके अंदर समावेश करे हैं वो डफली वाले डफली बजा, तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां, रामदेव जी महाराज का भजन है, आप क्या कर रहे हो यार। ये मैं नहीं चाहता, लेकिन जैसी हवा चल रही है, मेरे को कोई कहता है गाने के लिए, मैं पहले कह देता हूं कि मैं गाऊंगा अपनी तरह से, आपको नाचना उस पर नाचो, मैं ये हरकत नहीं करूंगा जी। दूसरा, भजनों में शेर व शायरी का क्या काम है जी। कोई काम नहीं। आप भजनों में गजल गा रहे हो और बालाजी महाराज की जय बोल रहे हो, बालाजी ने कहा क्या गजल गाने का? हाँ? कहने का मतलब यह है कि फूटता जी। जी। तो हमने सुना है कि आप सिंगर्स की खिंचाई बहुत करते हैं, तो क्या ये शिकायत ही वो खिंचाई होने का प्रमुख कारण रहा है? मुख्य कारण क्या है, मैं अपने स्टेज पे किसी को गाने नहीं देता। कारण, आपका कार्यक्रम चल रहा है, मैं उधर से निकला, मेरे चाहने वाले अगर मेरे को आपके पास ले गए तो मैं स्टेज पर आकर आप लोगों से रूबरू होकर हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा कि मैं माफी चाहता हूं, मैं किसी के स्टेज पर गाता नहीं और न मैंने आज तक गाया है। अब मेरे स्टेज पर आकर चाहे 20 कलाकार बैठ जाएं, मैं उनको नहीं गाने देता, न उनको बुलाता हूं आप आइए जी, नहीं, मेरी आदत है शुरू से। कारण क्या है, पूरी रात मुझे गाना है, आप हैं फ्रेश, आप आकर दो प्रस्तुति देंगी और अगर वो दो प्रस्तुति मेरे से ऊपर निकल गई तो मेरा तो पूरा रात का माहौल खराब कर दोगे, क्योंकि मैं जो माहौल मैंने बना रखा है तुम उसे अलग आओगे, वापस मेरे को माहौल बनाने में समय लगेगा, इसलिए मैं नहीं करता था। अभी भी मैं 9:30 बजे बैठता हूँ, सवेरे 4 बजे आरती तक मैं अकेला गाता हूँ, कोई साइड सिंगर मेरे साथ नहीं है जी। यही कारण है कि नक्शा को कोई ले जाता भी नहीं है। क्या कहीं ना कहीं ऐसा आपके प्रशंसकों को या दूसरे कलाकारों को नहीं लगता कि आप इतने सीनियर कलाकार होने के बावजूद अपनी सोच के चलते दूसरे जूनियर कलाकारों को मौका नहीं दे पाते होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, बुरा मानने की बात नहीं है। लेकिन PRG ने एक फैक्ट्री खोल दी है गायकों की, पहले गायक बनने के लिए दर बदर ठोकने खानी पड़ती थी। अच्छा। आकाशवाणी जब मैं ऑडिशन देने गया 3 दफा फेल हो गया था, 3 दफा फिर बाद पास हुआ। आज जितने कलाकार हैं उसको जाकर आकाशवाणी में ऑडिशन के लिए भेज दीजिए, 80% फेल हो जाएंगे। ये जो भोंगली लगती है ना, जो बेसुरे होते हैं ना उनके साथ भोंगली लगती है, सुरीला होता है उसको उसकी जरूरत नहीं है। आकाशवाणी में जो माइक लगता था एक, उसके साथ इको भी नहीं होता था, तब जाकर वो निकल के आता था जी। आपने बात करी कि PRG ने फैक्ट्री खोल दिए, तो PRG का तो काम है वो, उनके पास वीडियो बनाने का, उनके पास जो ऑडियोज आए, सही है। कारण कि मल्टी चैनल्स हैं, अभी इलेक्शन में जो चैनल पे जो एडिटर से सवाल पूछते हैं कि आपने हमारी न्यूज नहीं डाली, वो खुला कहता है न्यूज रोकने के लिए उन्होंने पैसे दिए,
आप न्यूज लगाने के लिए पैसे दे दो, मैं आपकी न्यूज लगा दूंगा, खुला बोलते हैं वो। तो ये एक सकारात्मक सोच भी तो आपको रखनी चाहिए इसके पीछे के, बहुत सारे लोगों को मौका दिया यहाँ पे, ये फैक्ट्री वाली तो कोई बात नहीं होती। नहीं, लेकिन मौका देने के साथ साथ प्योरिटी तो खत्म होगी ना, जो गुरु शिष्य की परंपराएं खत्म हो गई जी, सीखने लिए कोई आता नहीं, जब सीधा ही यहाँ मिल रहा है तो सीखने की जरूरत कहाँ है जी। आप यकीन मानिए, मैं जब भजन होते थे मोहल्ले में तो हम लोग मजीरे बजाते थे, और मजीरे अगर बेताले बज जाते तो वो खोस लेते थे। फिर धीरे धीरे हमने मजीरे बजाने की प्रैक्टिस की जी। फिर धीरे धीरे साथ गाने की प्रैक्टिस की, तब जाकर एक भजन के लिए एक भजन का मौका वो लोग देते थे। मैं अभी देचू में प्रोग्राम था हिजाइनेस का जी, वहां मुझे गाने के लिए बुलाया, तो मैंने एक फोटो दिखाई उन्हें, मैं कि 1986 में आप पैदल गए थे, 10 दिन तक मैंने आपके साथ भजन गाए थे, ये फोटो है, और आज 2017 है जी, 34 साल का सफर मैंने तय किया है भजनों में, बहुत बड़ा सफर होता है 34 साल का। बिल्कुल सही है जी, जी हमने सुना है कि आप कहीं ना कहीं इस बात के विपक्ष में है कि कुछ कंपनी है जो कुछ कलाकारों को बांध के अपने साथ में रखती है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, आप मेरे पास सीखने आती है तो मैं आपको बॉन्ड करता हूँ जी। आजकल तो माँ बाप के बच्चे भी बॉन्ड में नहीं रहते जी। और वो भी लिखित में, किसी के परिवार को पूछा नहीं और एग्रीमेंट कर लिया। क्या कोई एग्रीमेंट करके सिखाता है क्या? अगर आप किसी कलाकार के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि तुम मेरे साथ ही गाओगे तो उसका हित है जी। आप उसको वही दे पाएंगे जो आपके पास है, लेकिन जो मार्केट क्या है आप वो समझ थोड़ी पाएंगे, कुछ नहीं समझ पाएंगे जी। जी हाँ, मैंने स्कूल एजुकेशन में जितनी गर्ल्स हैं जो अभी मुख्य डांसर्स हैं उन सबको कोरियोग्राफी मैंने डांस करवाया है, और बॉसों ने आपको इंटरव्यू में बोलेंगी वो कि नक्शा से मैंने डांस सीखा है, लेकिन ये थोड़ी ना कि मैं एग्रीमेंट करवा लूँगा आप मेरे अलावा कहीं डांस नहीं करेंगे जी। जी बिल्कुल, बिल्कुल। आप सुनिए अच्छी तरह, PRG उस वक्त PRG थाने, लेखा सोनी एक डांसर थी जी, अच्छा डांस करती थी, छोटी थी, मेरे भी सूट चलते थे उसके भी चलते थे, मैंने आज तक सैकड़ों सीढ़ियां बन गई लेकिन किसी लड़की का मैंने हाथ नहीं पकड़ा जी। आपके डायरेक्टर महोदय मेरे को गाना सुनाते थे, मैं कह देता था ये मेरे लायक नहीं है, या वही गाना लाते थे जो मेरे लायक हो, मैं वही करता था जी। कुछ साल पहले की बात है, वही लेखा सोनी जब ये फूटपन आने लगा ना, उसे विरक्ति हो गई उससे डांस से, लेकिन ये फील्ड सोना छोड़ना नहीं चाहती थी जी। बोले सर, गुरु पूर्णिमा की बात है, दुर्गा मंदिर, बोले सर मैं आपको गुरु बनाना चाहती हूँ। मैं क्यों बेटा, तू डांस करती है और मैं गाता हूँ, ये अपने सौदा बैठता नहीं जी। जी, या तो मैं डांस करूँ या तू गाना सीख ले जी। तो उसने सटीक सा जवाब दिया, मैंने आज से छोड़ दिया। मैंने सोचा इसने छोड़ दिया, इसका एक जरिया यही था इनकम का, क्या करेंगे। मैं जहां भी मेरा प्रोग्राम होता ये मेरे साथ चलती, धीरे धीरे इनकी एंकरिंग में रुचि बढ़ाई, फिर धीरे धीरे जितना भी समय मिलता इसके पास बैठ के धीरे धीरे गाना तैयार करवाता जी। आज मालिक की कृपा है उस पर आराम से, क्योंकि कोई भी गायक होगा वो जो साइड सिंगर लेडी चलती उसे दो से ज्यादा भजन नहीं गवाता है, मुझे मालूम है जी। लेकिन इतना वो तैयार हो गई है कि आराम से रात भर 10 भजन गा सकती है और 10 लोकगीत गा सकती है। ये होता है एक सिखाने की परंपरा जी। ऐसा नहीं कि मैं उसको बाउंड कर दूं, मैंने बाकायदा उसका हथलेवा किया है, शादी में मुख्य रोल मेरा था बाप की हैसियत से जी। जी, ये होना चाहिए जी। कहीं ना कहीं हमारे ये सुनने में आया कि आप जातिवाद को सपोर्ट करते हैं। नहीं, अभी जो सिस्टम चला वो जातिवाद का ही है। जातिवाद नहीं, समुदाय अलग अलग है,
मुझे कव्वाली गानी आती है लेकिन मैं दरगाह में जाकर नहीं गा सकता जी, उनके रूल्स रेगुलेशन है, बगैर कपड़ा बांधे मैं अंदर नहीं जा सकता। और उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज है सबसे टफ, और मैं तो कहता हूँ कि संस्कृत से भी ज्यादा जी, सबसे खूबसूरत जिसे कहा जाता टफ भी है, बहुत मुश्किल है। क्यों, एक अगर लाइन गलत लगी या बिंदी लग गई किसी पे जी, तो उसका अनर्थ हो जाता है जी, नुक्ता हाँ, अर्थ दूसरा निकल जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, मैं उन लोगों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर वो प्रस्तुति कर रहे हैं और प्रस्तुति करते अगर आप शेरो शायरी दोही की जगह शेरो शायरी पढ़ रहे हैं या के ऐसे करो ना दोहा पढ़िए, कौन मना करता है जी, शेरो शायर गजल गा रहे हैं आप भजनों में, अर्थ का अनर्थ हो रहा है। शुरू करने से पहले आप बालाजी महाराज की जय बोल रहे हैं जी, गजल खत्म होने के बाद पुनः बालाजी महाराज की जय, तो बालाजी ने कहा क्या गजल गाने का, एक नजरिया। ये हरकतें जो करते हैं मैंने उनके लिए कहा है, उस समुदाय के लिए कहा है। जातिवाद अलग चीज है जी, जातिवाद एक जैसे धर्म तो लिमिटेड है, जातियां भारत में अनेकों हैं। जातिवाद अगर मैं राजपूत हूं तो राजपूत को सपोर्ट करता हूं, मैं उसके फेवर में हूं ही नहीं जी। मैं इंसान हूं, इंसानियत का सपोर्ट करता हूं जी। मेरे सामने अगर कोई गा रहा है और वो गलत गा रहा है मैं उसे उस वक्त नहीं कहूंगा जब वो गाकर नीचे उतरेगा मन से, उसे बुलाऊंगा बेटा ऐसा नहीं ऐसे गाते हैं, हर एक नहीं टोकता मैं तुम्हें टोकता हूं, ध्यान रखना जी। तो आप इसका थोड़ा सा हम काटेंगे आपकी बात को, इसी में से एक सवाल जहन में आया है कि जी हाँ। आप ये कहना चाहते हैं कि जो शख्स है जिस धर्म से है उन्हें सिर्फ अपने ही धर्म का गाना गाना चाहिए, ऐसा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? मौलाना रफी साहब ने गाया ना वो दुनिया के रखवाले जी, उनके जैसा तो कोई गा नहीं सकता जी, कोई नहीं गा सकता। लेकिन आपने कहा कि बालाजी के भजन में गजल आप गा रहे हैं और राम का अल्लाह का नाम ले रहे हैं, और नहीं अल्लाह का नाम का नहीं कहा मैंने जी, राम का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं ऐसा कुछ आपने? जब आप गजल गा रहे हैं तो जय वो क्यों बोल रहे हैं आप जी, जय उनकी क्यों बोल रहे हैं आप? आपको तो गाने का वो, पहली बात तो यही आपकी गलती है कि भजनों में आप गजल का प्रयोग क्यों करते हैं जी, क्यों करते हैं? कल के दिन ये फागुन गाने लग जाएंगे, कोई मना करने वाला तो हो जी, आप उसी बात के विरोध में जी हाँ, उनकी जो शैली है जो गाने की उस शैली के विरोध में है आप। दूसरा जी, कबीर एक हुए रहमान एक हुआ, दूसरा रहमान पैदा नहीं हुआ जी, कबीर वापस पैदा नहीं हुआ जी, बिल्कुल। एक जगह मैं गाने गया, कबीरदास जी के झगड़े का घर है, भजन गाओ और कबीर के चाहने वाले बैठे हो ना तो झगड़ा हो जाता है, वो बोले इसका अर्थाओ आप जी। तो मैंने कहा पहले तो ये बताओ कि कबीर हिंदू थे या मुसलमान जी, दूसरा ये बताओ कि उसको दफनाया गया या जलाया गया, इसका जवाब दे दो मैं आपको अर्था दूंगा जी। वो दे नहीं सकते जी। कारण कि जब उसका जनाजा उठाने लगे, चादर हटाई तो कबीर साहब की बॉडी थी नहीं है, गुलाब का फूल पड़ा था। अच्छा, तो कैसे कह सकते हो वो हिंदू था या मुसलमान जी, कैसे कह सकते हो उसे दफनाया गया जलाया गया, उसकी तो लौ मालिक से लगी थी जी जी। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा सवाल है कि गौ सेवा और गौ माता के लिए भी आपने बहुत प्रचार प्रसार किया? नहीं नहीं, मैंने आज तक केवल एक दफा गौ माता के बैनर पर गाया जी, वही कृपा हुई आपके सज्जन सिंह जी की जी, कुछ महीने पहले वहां एक कार्यक्रम कराया था, एक शाम गौ माता हाँ हाँ जी, तब गाने बुलाए, मैंने उनसे पूछा कि ये चंदा कहाँ जाएगा, बोले साहब यहाँ की गौशाला के लिए है जी। मैंने जीवन में कभी जहाँ बैनर लगाया गौशाला का मैंने नहीं गाया, कारण? कारण खुला रूप से है जी, जो भी गाने वाले हम प्रोफेशनल हैं, अगर ऐसी मेरे में क्षमता है गायों के लिए तो पूरा कार्यक्रम मैं करूं अपनी तरफ से, बजाने वाले कोई पेमेंट मैं करूं, तब जाकर मालिक का नाम लिखा जाता है।
अंश तो तुम ले रहे हो उसी का ही, 80,000-70,000 में तुम प्रोग्राम तय करते हो, जितना कलेक्शन आता है उसमें से आपको पेमेंट होता है। क्या मालिक के यहाँ जवाब दोगे आप, ये बताओ ये कैसी सेवा है? लेकिन वो उनका तरीका है, और गौ सेवा और गौ माता के लिए कुछ करना वो अलग चीज है, ये दोनों दो अलग अलग चीज हो गई। नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि जो भी गौशाला वाले हैं उनको ही कहना चाहता हूँ, आप स्वयं कार्यक्रम रखिए, आमंत्रित कीजिए जोधपुर के सारे कलाकारों को जो भी हैं नामचीन जी, जो 4 म्यूजिशियन आए आप में से ही कोई उनको पैसा देगा ना कि उस पेटी से निकालेगा जी, और जितना आता है आप सीधे गौशाला में देगा जी। इससे पहले भी हुआ था कारगिल युद्ध, गलियों गलों में फिरकर हमने शहीदों को पैसे दिए जी, लेकिन उस पे ही लांछन लग गया जी। कुछ तो होता है जी। अब तक का जो आपका ये सफर रहा है उसमें और किन किन तरीके की परेशानी आपने उठाई है? मैंने तो परेशानी उठाई नहीं, लोग ही मेरे से परेशान है, मैं पहले कह चुका हूँ जी। आपने ये बताया, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपकी गजल गायकी की जो शैली है उससे आप परेशान हैं, आपकी गौ माता वाली आपकी शिकायतें कह सकते हैं परेशानी। मैं स्वयं शौकीन हूँ ऐसी चीजें सुनने का जी। अगर कहीं शहर में प्रोग्राम हो रहा है तो रुक के सुनता हूँ जी, उसमें से अर्क निकलता है, अर्क निकला है जी जी। जैसे काजल फिल्म का 2 बोल थे कि जिस तरह से थोड़ी सी तेरे साथ कटी है बाकी भी गुजर जाए तो अच्छा है। क्या बात है जी। ये चीजें, लेकिन ये चीजें वही शोभा देती है। मैं, आप यकीन मानिए, भक्ति संगीत का प्रोग्राम चल रहा है और मेरे सामने कोई सोफे पे बैठे हैं, मैं उनको कह देता हूं कि ये भजनों का कार्यक्रम है, धरातल पे बिराजिए आप जी, मेरे आपसे 1 फुट ऊंचा मेरा स्थान होगा, और अगर डांगड़ी रात है तो मेरे से ऊपर स्थान उसका होगा जिसके दिन है वो, लेकिन आप लोग धरातल ही बैठेंगे तभी मैं गाता हूँ, बाकी नहीं गाता जी। आपका अपना एक तरीका है काम करने का, और आपने हमेशा से उन्हीं तरीकों से उन्हीं शर्तों पे काम किया है, बहुत खूब। एक और चीज है कि आपके इन तरीकों में एक आपकी शैली जो रही है उसमें आपकी वेशभूषा का कहीं ना कहीं नाम लेना बेहद जरूरी है जी, जी, जी। तो उसके बारे में हम एक टिप्पणी चाहेंगे। ये आप यकीन मानिए, जो जना डारी 20 साल का मैं था जी, तब से बड़ा ही मैंने जी। दूसरा, मेरे परिवार में मेरी दाढ़ी बनाने के बाद में बुजुर्गों के ध्यान पे आपको पता है एक भद्र होते हैं, हाँ जी, लेकिन मेरे परिवार वालों ने पहले ही कह दिया कि चाहे किसी की मृत्यु हो जाए बेटा तुम दाढ़ी मत कटवाना जी। अब यकीन मानिए, इतनी साल पुरानी मैं दाढ़ी रखता हूँ, और यही कारण है कि जब मेरा राजस्थानी प्रोग्राम होता है तो जो सिंगर होते हैं वो साइड में बैठ के गीत गाते हैं, मैं सेंटर स्टेज होता हूँ, मेरे में संपूर्ण राजस्थान दिखता है, लोग लाइक करते हैं जी, फोटोग्राफ्स खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं आजकल, अगर 4 तरफ लड़कियां डांस कर रही है और बीच में अगर मैं कॉस्ट्यूम पहन के गीत गाता हूँ तो निकल कर आता है जी, जैसे मुंबल है। आप बीच में खड़ी होंगी जी, मेरी निगाहें आपके ऊपर ही रहेगी जी। मुंबल बोलो तो राजस्थान की सबसे खूबसूरत लड़की है जी, और उसमें उसके शरीर के एक एक अंग का वर्णन किया हुआ है। आप बीच में खड़ी रहेगी, मैं आपकी आंखों की तरफ इंगित करके वो उसके बोल बोलूंगा और आपके सराउंडेड घूमता रहूंगा मैं, तो वो चीज निकल के आएगी कि ये वास्तव में आंखें कितनी खूबसूरत है इसकी जी जी। बाल के पास आऊंगा तो मैं बाल की आप चोटी होगी उसको देख के कहूंगा ये नागिन की तरह है जी, तो वो चीज निकल के आती है, जैसे केसरिया बालम आउनी पधारो हमारे देश जी, बिल्कुल। ये वेलकम सॉन्ग ऑफ राजस्थान जी, और इंडिया में कहीं भी जाते हैं तो इससे अच्छा वेलकम सॉन्ग है जी, बिल्कुल। और कितनी उसमें गूढ़ता छिपी है, एक अंतरा है कि साजनावत देखती तोड़ दियो गलहार, लोग जाने मोती चुगे मैं लुड़ लुड़ करूं ज्वार। क्या बात है। पति के सबसे करीब जाना चाहती है पत्नी,
दूर देश से जब साल छह महीने बाद आता है तो पूरा परिवार उसका वेलकम के लिए खड़ा होता है, लेकिन उसकी इच्छा होती है कि सबसे पहले मैं देखूं उसे, और उसी क्षण उसके दिमाग में योजना आती है, अपना गले का हार तोड़ती है जी। और वो मोती बिखर जाते हैं जी। सारे मोती चुगने में लग जाते हैं परिवार वाले, लेकिन वो उसी सीध में जाती है जहाँ वो बंदा खड़ा है जी। और जाकर उसके पैर के पास से मोती उठाकर जब उसे नजरें मिलाती है, समझ लो उसका जीवन सुधर गया जी। बिल्कुल, बहुत बहुत खूबसूरत बात बताई है आपने। आगे बढ़ते हैं। अब आपने राजस्थानी संगीत की बात की है और ये वाक्या बताया, ये जो गाने का एक अंतरा आपने बताया, तो हम चाहेंगे कि आपने अब तक जो भी काम किया है उस सब में आपका सबसे पसंदीदा आपका प्रोजेक्ट या गाना कह लो, वो कौन सा रहा है सबसे पसंदीदा अभी तक का? जी जी हाँ, यकीन मानिए मैंने वैसे तो बहुत हैं, जो गाना है शब्द प्रधान होता है। मैंने प्रकाश जी के गाने पे भी कार्य किया है, मोहिनीदीन जी की किया है, मैंने अपने गाने पे भी किया है, लेकिन यकीन माने मैं अपने गाने की तारीफ नहीं करता। तारीफ करता हूँ उस बंदे की जिसने वो गीत लिखा, पारंपरिक रचना है जी। और गाने वाला था श्याम पालीवाल जी। समय रो भरोसा को निकट पलटी मार जाना है जी। मेरे जीवन का सबसे अच्छा गीत वो है जी। यकीन माने अब भी लोगों के फोन आते हैं, नक्शा आपका वीडियो देखा मजा आ गया, बहुत खूबसूरत। वो जो शब्द थे उसके साथ मैंने कुछ नहीं किया, वास्तविक से दरकाई और वही लिखा मैंने कि समय रो भरोसा को नहीं कद पलटी मार जाए जी। केवल इतना हाथ तन किया जिसमें सारा अर्थ निकल गया उसका जी। और ये हर इंसान के साथ होता है जी। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। अंत में हम चाहेंगे आप अपने दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं ये चाहता हूं कि जो राजस्थान की शैली है जी, उसे जिंदा रखिए जी। कारण पंजाब खत्म हो गया, कल्चर नहीं है, खेत के खेत बिक रहे हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं, सरदार जी तो कोट पैंट सारे पहने और लड़कियां नंगी नाचती है, हरियाणा कोई कल्चर है नहीं, अभी राजस्थान हरियाणा मिक्स चलता है, केवल राजस्थान ही है जो कल्चर लेकर चल रहा है। कल्चर कहें तो जोधपुर के जो मेले हैं उनकी सुरक्षा करते हैं जालोर गेट से फतेहपोल तक जी। ये जो ब्राह्मण है जी। आज इन ब्राह्मणों ने अगर मेला भरना बंद कर देना, संस्कृति खत्म हो जाएगी। बैंतमार मेला देखा आपने? जी बिल्कुल है? जी। अच्छा, दूसरा चीज सीखो आप, सीधा मत जाओ। मैं कोरियोग्राफी करता हूँ, 10 साल तक मैंने ढोलक बजा के भजन गाए, गीत गाता हूँ, राजस्थानी प्रोग्राम चलते हैं, राजस्थानी फिल्म में काम की, इंटरनेशनल फिल्म में काम की है। मेरे को जोधपुर ने और जोधपुर के टाउन हॉल ने जितना दिया ना, किसी कलाकार को इतना नहीं दिया जितना उसने मेरे को निभाया है जी। वही कैमरे मेरे पास आए थे, मैं काम मांगने नहीं गया। इरफान खान और मैं दोनों एक साथ एक फिल्म में काम किए थे, द वॉरियर, इंग्लैंड की फिल्म थी जी हाँ, और वो ऑस्कर के लिए चयनित हुई, हिंदी और इंग्लिश दोनों में थी वो जी। तो बॉलीवुड का फर्स्ट एक्टर मैं हूँ जोधपुर का जी, जिसने पूरी बॉलीवुड फिल्म में काम किया जी। जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। आपने अपना कीमती समय निकाला उसके लिए बेहद बहुत शुक्रिया। ऐसा है कि 60 साल के बाद समय ही समय है जी, लेकिन फिर भी हमारे लिए गर्व की बात है कि राजस्थान की जानी मानी हस्तियां हम लोगों के बीच में यहाँ पे मौजूद होती है, तो एक खुशनुमा माहौल यहाँ पे हो ही जाता है और खुशी की बात होती है हमारे लिए कहीं ना कहीं। तो मैं आपको जी और संपूर्ण पीआरजी को जी, लेकिन एक मैं सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे जी। बिल्कुल, पीआरजी की फुल फॉर्म क्या है? जी बिल्कुल बताएंगे। पीआरजी की फुल फॉर्म है, जब सज्जन जी ने ये कंपनी बनाने के लिए सोचा था, और आरडीसी मीडिया के जो मालिक हैं दुर्गा राम जी सिरवी, इन दोनों ने जब ये सोचा था कि हम कंपनी बनाएंगे, तभी दुर्गा राम जी ने सज्जन जी को बोला कि आज ही जो भी करना है आज ही करते हैं और एक अच्छा सा नाम ढूंढ के नाम रख लेते हैं। तो कहानी एक छोटी सी उसके पीछे, कि दुर्गा राम जी ने सज्जन सिंह जी से पूछा कि जो सबसे लकी नाम आपके लिए या जो भी लकी चीज़ आपके लिए है, हम उनसे ही आपकी कंपनी का नाम रखेंगे। सज्जन जी की बच्ची है परी गहलोत। पीआरजी का जो पहला पी है
वो उनकी बच्ची के नाम से है परी पी, और जो दूसरा आर है वो रंजीता की वजह से आर है। सज्जन जी की धर्मपत्नी है, उनका नाम है रंजीता जी गहलोत और जी गहलोत जी फोर गहलोत है। तो ये परी रंजीता ऐसा सवाल आपसे किसी ने किया नहीं होगा। नहीं मैं बच्चे कई दफा फास्ट फूड खाते हैं ना जी, तो एक जोधपुर की मशहूर है 1580 जी, तो वहाँ मैं लेने के लिए गया केक पेस्ट्रीज, तो काउंटर मैन से पूछा मैं कि बेटा 1580 का मतलब क्या है, वो बोले साहब शर्मिंदा मत करो मुझे तो पता ही नहीं। 15वां दशक कह सकते हैं, 1580 का हिंदी में 15वां दशक। 15वां दशक ए फॉर। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपने अपना समय निकाला और यहाँ पे पधारे आप। हम तो आ गए और आशा करते हैं कि आप पुनः हमारे लिए समय निकालेंगे। जी बिल्कुल। नमस्कार। राजस्थानी लोक गायकी में मशहूर और अपनी वेशभूषा की शैली और अलग अंदाज के लिए मशहूर तिलोक सिंह जी नक्सा, इसी तरह राजस्थान की जानी मानी हस्तियों से हम आपको मिलवाते रहेंगे, उनकी मन की बात आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए टीना राठौर के साथ पीआरजी के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है जीवन दर्पण मन की बात। नमस्कार।